बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है। दोस्तों, हम इसमें स्वीप की बोतल 75 रुपये की है, ये इस्तेमाल करेंगे। कास्टिक ये 20-30 रुपये का ले लें कास्टिक। बैटरी का तेज़ाब और गर्म पानी, ये हम चार चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम उसके ढक्कन खोलेंगे। ये देखें, जिस बैटरी में ये ब्लैक, अगर ढक्कन ब्लैक हो जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अंदर उसकी प्लेटें बिल्कुल फुल जाती हैं। तो दोस्तों, आज इस बैटरी को हम रिपेयरिंग करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम इसका पूरा तेज़ाब गिराएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गंद है। इसकी प्लेटें अंदर से बहुत बुरी तरह ख़राब हैं। उसके बाद दोस्तों, पानी निकालने के बाद हमने, तब तक ये पानी निकल रहा है तो हम इसका स्वीप गर्म पानी डालेंगे इसको वॉश करने के लिए। गर्म पानी डालने के बाद हमने आधी बोतल स्वीप लेनी है। स्वीप लेने के बाद दोस्तों, आपने जब कास्टिक डालना हुआ तो आपने हाथों को सेव करना है। ताकि अपने आपके हाथों के जल्द को कोई नुकसान न पहुंचे। ये तेज़ाब का काम जो भी करे, इसके लिए ये ग्लव्स पहनने ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें कास्टिक डालेंगे। कास्टिक बहुत गर्म होता है, ये इसकी प्लेटें साफ़ करेगा अंदर से। थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं।
दोस्तों हमारे पास ये मेलून तैयार है अभी। हाँ मैं इसको दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम बैटरी में डालेंगे। ये इसकी प्लेटों से जितना भी कचरा है वो सारा इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जितना भी कचरा है वो इसको ख़त्म करेगा। तो उसके बाद हम इसमें तेज़ाब डालेंगे बैटरी वाला। तो इसको 10 मिनट के लिए दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद इसका कचरा सारा निकलेंगे, फिर पानी से इसको साफ़ करेंगे, वाश करेंगे। तो उसके बाद इसको इसमें न्यू तेज़ाब डालेंगे। दोस्तों ये देखें पानी किस तरह उबल रहा है। ये देखें, ये कचरा जितना भी है इसने प्लेटें साफ़ करना शुरू कर दी हैं। ये कास्टिक हमने डाला है तेज़ाब स्वीप की मदद से, इसको सफाई की है। तो इसको अभी हम 10 मिनट गुजर गए हैं, इसको हम अभी क्लीन करेंगे, फिर पानी से वाश करेंगे। दोस्तों ये देखें इसमें कितना ज़्यादा कचरा है, ये देखें। इसमें बहुत ज़्यादा कचरा निकला है, इसकी प्लेटें सारी खराब थी अंदर से, इसने सारा कचरा ख़त्म किया। उसके बाद हम इसको साफ पानी से अभी वॉश करेंगे, उसके बाद हम न्यू इसमें तेज़ाब डालेंगे। दोस्तों अभी भी इसमें कचरा अभी भी इसमें कचरा ख़त्म नहीं हुआ। वाश करने के बाद इसको आपने उल्टा 5 मिनट करना है। उसके बाद हम इसमें न्यू तेज़ाब डालेंगे। जब इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए
तो इसमें ग्रेविटी वाला तेज़ाब डालेंगे। चलें दोस्तों, अब इसमें तेज़ाब डालना शुरू करेंगे। दोस्तों इसके अंदर की हालत चेक करें बैटरी की, ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये देखें शीशे की तरह क्लीन है। अब हम इसमें ग्रेविटी वाला तेज़ाब डालेंगे, उसके बाद इसकी चार्जिंग शुरू करेंगे। चलो दोस्तों तेज़ाब डालना शुरू करें। दोस्तों इसमें ये ग्रेविटी वाला तेज़ाब डालेंगे हम, बहुत तेज़ नहीं है तो इसका लेवल, ये लाइनें जो नज़र आ रही हैं आपको, इतना रखना है आपने। अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो आपने इसको आपने ग्रेविटी मीटर से इसका लेवल बराबर करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देने हैं, हल्के हल्के लूज़ रखने हैं, ताकि उसके बाद चार्जिंग के बाद हम इनको, जब चार्जिंग करेंगे उसके बाद इनको टाइट कर देंगे इस तरह। चलिए दोस्तों इस पर अभी चार्जिंग शुरू करेंगे। दोस्तों हम अभी बैटरी को चार्जिंग करेंगे, ये हम ले आए हैं, इसको मशीन को ऑन करते हैं। अभी मशीन ऑन हो गई है, मशीन ऑन की है तो इसकी पॉजिटिव वाली तार हमने पॉजिटिव पर लगानी है और नेगेटिव वाली तार नेगेटिव पर लगानी है। इसको 2 घंटे चार्जिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसको गाड़ी में लगा के स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये देखें अभी चार्जिंग 0 पर है, ये हमने इसको लगाई है, इसको 1 घंटे बाद चेक करेंगे या 1.5 घंटे बाद। इसको प्रॉपर 2 घंटे तक चार्जिंग चाहिए, तो फिर उसके बाद इसको हम गाड़ी में लगा के चेक करेंगे, देखते हैं कि ये चार्जिंग कैसी करता है। दोस्तों इस तरह अपनी बैटरी आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। ये हमने अभी चार्जिंग पर लगाई हुई है बैटरी। ये दोस्तों ये चार्जिंग अभी हो रही है, 1 घंटा गुजर गया, देखें इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। ये अभी चार्जिंग हो गई है तकरीबन, थोड़ा सा अभी आधा घंटा इसको और रखेंगे। ये दोस्तों ये अभी हमारी बैटरी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसको गाड़ी में लगाएंगे। जब भी आप बैटरी पर चार्जिंग पर लगाएंगे तो इसको ढक्कन खोलने खोल के लगानी है। ये देखें अभी ये चार्जिंग हो गई है तकरीबन। दोस्तों बैटरी को चार्जिंग हो गई है कंप्लीट, तो इसको अब हम ढक्कन
टाइट करेंगे पूरे मुकम्मल। उसके बाद हम इसको ये देखें, अभी बिल्कुल सही चार्जिंग हो गई है गाड़ी। ये देखें, ये देखें, अब हम इसको गाड़ी में लगा के सलफ लगाएंगे इंशाल्लाह। ये सलफ भी लगाएगी गाड़ी। तो चलें दोस्तों, अब हम इसको गाड़ी में फिट करते हैं, फिर उसके बाद सलफ लगा के फिर देखते हैं। चलें दोस्तों गाड़ी में फिट करते हैं। हम इसको कैरी डब्बे में फिट करेंगे। ये हमारी बैटरी आ गई। इसके नट थोड़े से इस तरफ है टर्मिनल। ये आपने पॉजिटिव वाली तार पॉजिटिव पर लगानी है। और नेगेटिव वाली नेगेटिव पर। अब हम इसमें करंट भी देख सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त करंट है इसमें। ये देखें, गाड़ी को सलफ लगाओ, गाड़ी को सलफ लगाओ ज़रा। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बंद करके लगाओ। बहुत ज़बरदस्त चार्जिंग की है इसने। ये तरीका दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। तो वीडियो दोस्तों लाइक और शेयर लाजमी करना है, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह अच्छी अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बंद करके सलफ लगाओ। माशाल्लाह ज़बरदस्त।